गाइस, दिस इज निशा खान। वेलकम टू माय चैनल एनके ऑल इन वन। आज मैं आपको बताऊंगी पफ स्टिच क्रोशेट कैसे बनाया जाता है। उसके लिए हमें ये सब मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पर सेफ्टी पिन का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास प्लास्टिक पिन नहीं है। अगर आपके पास प्लास्टिक पिन है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है और इसको देखकर आप आई होप आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये जो हमारा हेड है वो सब सेक्शंस में डिवाइड है। ये फोर रोज का एक सेक्शन होगा, फिर नेक्स्ट फोर रोज का नेक्स्ट सेक्शन होगा। इसी तरह से हमें सारे रोज कंप्लीट कर लेनी है। बाकी सेम रोज रहेंगी, जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड रो है, फिर इसके आगे कंटिन्यू कर देना है हमें। तो चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। उसके लिए हम नॉट बनाएंगे। मैं यहाँ पर बर्दवान यार्न यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई और यार्न भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से यार्न को टर्न करते हुए आप नॉट बनाएंगे। चेन 28। इस तरह से हमें नॉट बनाते हुए चेन 28 लेना है। चेन 1, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। ये देखिए 28 चेन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम वर्क स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट सेकेंड चेन फ्रॉम द हुक। ये जो सेकेंड स्टिच है, हम यहाँ से अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हमें फंदा ले लेना है। इसमें हम सिंगल स्टिच लेंगे। इस तरह से फंदा डालते हुए ध्यान रखिएगा, दो फंदा आने चाहिए। बैक लूप्स में ही हमें वर्क करना है और टर्न करते हुए फंदा ले लेना है। इसी तरह से नेक्स्ट स्टिच में और सेम प्रोसीजर हमें ये रो कंप्लीट कर लेनी है। सेम प्रोसीजर फॉलो होना है। ये देखिए इस तरह से लुक आ रहा है इसका, और कंप्लीट कर लेनी हमें ये रो। फ्रेंड्स, ये रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चेन 1, टर्न योर वर्क। फिर से हमें ये सेकंड स्टिच से वर्क स्टार्ट कर देना है और इस रो में भी हम बैक लूप्स पर ही वर्क करेंगे। सिंगल क्रोशिया, इस बार हमारे 27 स्टिचेस रह जाएंगे क्योंकि हम एक हमारा प्रीवियस रो में एक स्टिच स्किप हो गया था। इस बार फिर से हमें एक स्टिच स्किप कर देना है, सेकंड स्टिच से वर्क करना है और बैक लूप्स में ही वर्क करेंगे हम। इस तरह से सेम प्रोसीजर जैसे हमने प्रीवियस रो में वर्क किया था, फर्स्ट टू रोज में हम सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। फ्रेंड्स, ये लुक इसका इस तरह से शो होगा। सो फ्रेंड्स, ये रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। स्टार्ट किया था हमने 28 स्टिचेस से, बट हमारे पास इस टाइम है 26 स्टिचेस क्योंकि हमने फर्स्ट स्टिच स्किप कर दिया था। सेकंड से हमने वर्क स्टार्ट किया था, इसलिए हमारे पास एक फंदा कम हो गया है। ये देखिए इस तरह से नजर आ रहा है। चेन 1, टर्न योर वर्क। इसमें हम पफ स्टिच बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया 3, पफ स्टिच। तो पहले सिंगल क्रोशिया लेंगे हम, सेकंड फंदे से ही हम स्टार्ट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस रो में वर्क किया है। सिंगल चेन लेंगे, चेन 1, सिंगल क्रोशिया 2, सिंगल क्रोशिया 3। ये देखिए अब हम पफ बनाएंगे। पफ हम चार फंदों का बनाएंगे, चार डबल क्रोशिया के हम पफ बनाएंगे बैक लूप्स में। डबल क्रोशिया 1, डबल क्रोशिया 2, डबल क्रोशिया 3, डबल क्रोशिया 4। इस तरह से डबल क्रोशिया ले लेना है हमें और हम सारे ही लूप को ज्वाइन कर देंगे हल्के से पुश करते हुए। इस तरह से बाहर की साइड पुश करते हुए इसको खींचना है धागे को।
और इस तरह से सिंगल क्रोशिया ले लेना है, सिंगल चेन। इस तरह से ये बाहर की साइड पफ हमारा बन जाएगा, ये देखिए। इसके बाद हम सिंगल क्रोशिया 5 लेंगे, फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे, फिर से सिंगल चेन लेंगे, फिर पफ स्टिच बनाकर सिंगल क्रोशिया 11। सिंगल क्रोशिया पहले हमने लिया हुआ है, ये सेकंड हो गया हमारा। सिंगल क्रोशिया 3, सिंगल क्रोशिया 4, सिंगल क्रोशिया 5। अब हम सेकंड पफ बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 हमारे सिंगल क्रोशिया हो चुका है। अब हम पफ बनाएंगे 4 स्टेजेस का, जैसे हमने प्रीवियस पफ बनाया था, डबल क्रोशिया 1 2 3 एंड 4। सारे लूप्स को जो हम ज्वाइन कर देंगे हल्के से पुश करते हुए, इस तरह से। फिर से हमें सिंगल क्रोशिया 5 लेना है, फिर हम पफ बनाएंगे, अब हम सिंगल क्रोशिया 5 हो चुके हैं हमारे। अब हम पफ बनाएंगे डबल क्रोशिया का, 1 2 3 4। हल्के से पुश करते हुए फिर से हम पफ बना लेंगे, बाहर की साइड पुश करना है इसको, जैसे हमने प्रीवियस पफ्स बनाए हैं। सिंगल क्रोशिया 11 और ये रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चेन 1 टर्न। ये जो फोर्थ रो है इसमें सिंगल चेन 26 लेना है हमें। इसमें हम बैक लूप्स पर वर्क नहीं करेंगे, दोनों साइड से ही लेना है। देखिए इस तरह से, ये इस तरह से, ये रो हमें इसी तरह से कंप्लीट कर देनी है। ये देखिए, सो गाइज, ये रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने एज अ रिमाइंडर, ये देखिए हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट सेक्शन का हमारा एक पार्ट हो गया, और मैं यहाँ पर ये सेफ्टी पिन का यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास प्लास्टिक पिन नहीं है तो मैं यहाँ पर सेफ्टी पिन यूज़ कर रही हूँ। ये एज अ रिमाइंडर यूज़ कर रही हूँ मैं सेफ्टी पिन को, जिससे हमें याद रहे कि हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। सो गाइज, जब हम मूव करते हैं सेकेंड सेक्शन की तरफ, तो उसके लिए हमें सिंगल क्रोशिया लेना है 26 बैक लूप्स में। जैसे हमने प्रीवियस सेक्शन में वर्क किया था, बैक लूप्स में हम सिंगल क्रोशिया लेंगे, 26 स्टिचेस रह गए हमारे। इसी तरह से हमें ये रो कंप्लीट कर देनी है। ये देखिए, बहुत ही सिंपल है ये पैटर्न। देखिए रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चेन 1, टर्न योर वर्क। सिंगल क्रोशिया फिर से लेना है हमको बैक लूप्स में, जैसे हमने प्रीवियस रो में वर्क किया है। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से हमें ये रो भी कंप्लीट कर देनी है। ये देखिए, अब फ्रेंड्स हम लोग थर्ड रो की तरफ मूव करते हैं। ये हमारी पफ वाली रो आ गई है। इसमें हमने
3 स्टिचेस के बाद पफ बनाया था प्रीवियस सेक्शन में, और इसमें हम 5 स्टिचेस के बाद 6 स्टिचेस के बाद पफ बनाएंगे, ये देखिए। और गैप जो रहेगा वो 5 स्टिचेस का ही रहेगा। सिंगल क्रोशे 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टिचेस के बाद अब हम पफ बनाएंगे 4 फंदों का, जैसे हमने प्रीवियस सेक्शन में बनाई थी। सिंगल क्रोशे 1, 2, 3, 4, 5, गैप जो है वो 5 का ही रहेगा। उसके बाद फिर पफ बनाएंगे हम, 4 स्टिचेस के पफ बनाएंगे। इसके बाद फिर से 4-5 फंदा लेंगे, क्योंकि गैप में हमारे पास 5 फंदा ही ले रहे हैं हम प्रीवियस सेक्शन में भी और इस सेक्शन में भी। बस स्टार्टिंग जो करनी थी वो 3 फंदा से और 6 फंदे से करनी थी। सेक्शन 1 में हमने 3 फंदे लिए थे और सेक्शन बी में हमने 6 फंदे लिए थे। दो पफ हमारे बन चुके हैं। ये हमारे पास 8 स्टिचेस रह गए थे फ्रेंड्स, ये देखिए 3 पफ्स हमारे प्रीवियस सेक्शन में थे, 3 पफ्स हमारे इस सेक्शन में हैं। हम टर्न करते हैं, फिर से हमें सिंगल क्रोशिया लेना है 26। ये ध्यान रखिएगा जो 4th रो होती है हर एक सेक्शन की, इसमें हम बैक लूप्स में वर्क नहीं करते हैं, इसमें हम दोनों ही लूप्स में वर्क करते हैं। सिंगल क्रोशिया 26 ले लेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स ये रो हमें इस तरह से कंप्लीट कर लेनी है, देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं ये वाली पिन हटा करके यहाँ से ऊपर लगा देती हूँ, जिससे याद रहे कि हमारे सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है। मैं यहाँ पर सेफ्टी पिन का यूज सिर्फ और सिर्फ एज अ रिमाइंडर यूज कर रही हूँ इसका। चेन 1, टर्न योर वर्क। सेक्शन 2 जो है वो हमारा सेम है सेक्शन 1 के जैसा, जो हमने पैटर्न सेक्शन 1 में फॉलो किया है वो सब हमें सेक्शन सी में यूज करेंगे। ये 26 स्टिचेस हमने बैक लूप्स में वर्क किया था, वैसे ही हम 26 बैक लूप्स में ही यूज करेंगे इस सेक्शन में भी। उसके बाद जो सेक्शन बी है उसको हम सेक्शन 4 की तरह यूज करेंगे 4 में, ठीक है। और उसके बाद एंड सो ऑन, सेम पैटर्न फॉलो करना है, सेक्शन 1 फिर सेक्शन 2, सेक्शन 1 सेक्शन 2, इस तरह से। जितनी भी आपको हाइट चाहिए आप उसी के अकॉर्डिंग इसको कंटिन्यू कर दीजिएगा। अब मिलते हैं हाइट कंप्लीट करने के बाद में, ये देखिए। सो फ्रेंड्स मेरे जो जितनी भी मेरी लेंथ चाहिए थी मुझे वो मैंने कंप्लीट कर ली है। इसका जो साइज है ये थोड़ा स्ट्रेचेबल है, ये देखिए काफी स्ट्रेचेबल है। इसका जो साइज है 19 इंचेस है। आपको जितनी भी आपकी डिजायरेबल हाइट चाहिए, लेंथ चाहिए होगी, आप उसके अकॉर्डिंग इसको मेजर कर लीजिएगा। और अब हम दोनों पार्ट्स को फोल्ड करते हुए क्रोशे के हेल्प से सिंगल स्टिच लेंगे इस तरह से। लेकिन जो हमारा फ्रंट साइड है उसमें हम बैक सिंगल स्टिच लेंगे, और जो हमारा बैक साइड है उसमें हम डबल स्टिच लेंगे। ये देखिए इस तरह से, यहाँ सिंगल स्टिच और जो दूसरी वाली साइड है इसमें हम डबल स्टिच लेंगे और हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसी तरह से हमें ये रो कंप्लीट कर लेनी है।
सेम प्रोसीजर फॉलो करना है हमें एंड तक। हर एक स्टिच में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए एंड तक हमें इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसको जोड़ लिया है। अब हम 3 सिंगल क्रोशे लेंगे, चेन 1 2। पहले हम इसको टर्न कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये जो नीचे वाले हाइट है ये नीचे साइड रहना है और ये हमारी अपर साइड है। ये चेन 3 हमें ले लेना है। इसके बाद हम हर एक लूप में हम वर्क करेंगे। पहले हम 4 स्टिचेस लेंगे, फिर उसके बाद हम एक फंदा छोड़ देंगे, एक फंदा स्किप कर देंगे। इस तरह से आपने 4 फंदे ले लेने हैं। डबल क्रोशिया 1, इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया लेंगे इस तरह से, हाफ डबल क्रोशिया 3 एंड हाफ डबल क्रोशिया 4। ये हमारे 4 फंदे हो गए हैं। अब हम एक फंदा छोड़ देंगे, 1 2 3 4। ये 4 स्टिचेस हो गए। अब हम एक फंदा स्किप कर नेक्स्ट फंदे पर मूव करेंगे। यहाँ पर 2 3 4 स्किप 1 स्टिच, ये स्किप कर देंगे, नेक्स्ट पे मूव करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया 1 2 3, अब हम एक फंदा स्किप करने के बाद आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4, फिर से एक फंदा स्किप करेंगे और इसी तरह से हमें ये रो कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमें ये रो कंप्लीट कर लेनी है। फ्रेंड्स ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। हम दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, चेन 1। अब हम एक फंदा आगे से एक फंदा पीछे से लेंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया, बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से आ रहा है, एक फंदा आगे एक फंदा पीछे से, और ये रो हमें कंप्लीट कर देनी है। फिर से हम ज्वाइन कर देंगे इसको इस तरह से, अगेन चेन 1, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इस रो में हमें डबल क्रोशिया वर्क करना है। जैसा फंदा हमने ले रखा था सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जिस जगह हमने फ्रंट पोस्ट ले रखा है वहां फ्रंट पोस्ट लेंगे, जिस साइड हमने बैक पोस्ट ले रखा है वहां बैक पोस्ट डबल क्रोशिया लेंगे इस तरह से, देखिए। और ये रो हमें, सेकेंड रो भी हमें इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है, और हमें ये इसी तरह से 5 रोज कंप्लीट करनी है। ये देखिए इसी तरह से हमें 5 रोज कंप्लीट कर लेनी है।
ये रो हमारी फाइव रोज मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करने के बाद कट कर देंगे सीजर से। ये जो हमारा थ्रेड है इसको हम अंदर की साइड क्रेशर से लेते हुए इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे और एक टाइट नॉट बना देंगे जिससे ये धागा बाहर नहीं निकल पाए। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अंदर हम इसको ले लेंगे। इसको कट कर देंगे। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये देखिए कितना स्ट्रेचेबल है। इसका जो साइज है वो 8 इंचेस है। आपको जितनी भी आपकी डिजायरेबल हाइट है आप उसके अकॉर्डिंग इसको मेजर कर लीजिएगा और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर 2 राउंड भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, नेसेसरी नहीं है। और अब हम स्टिच करते हैं, उसके लिए मैंने धागा डाल लिया है और हम लॉन्ग यर्न कट करेंगे। बहुत ही टाइट नॉट बनानी है हमें। इसको टर्न करते हुए हम इसको स्टिच करेंगे। इससे पहले मैं इसके लिए पम्पम रेडी कर लेती हूँ। इस तरह से फोल्ड करते हुए आपको 60 राउंड्स कंप्लीट कर लेने हैं और यार्न को कट करते हुए आप एक टाइट नॉट बनाएंगे। बहुत ही टाइट नॉट बनानी है जिससे आपको पम्पम निकल नहीं पाए। टाइट नॉट बनाने के बाद इसको सीजर से कट कर देंगे। इसको बहुत अच्छे से कट कर लेना है। ये देखिए हमारा पॉम्पम बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसको कैप को टर्न करते हुए पहले स्टिच कर लेते हैं इसको। इस तरह से हम स्टिच करते रहना है। इसको हमें बहुत ही टाइट करके नॉट बनानी है। बहुत ही टाइट नॉट बनानी है और हम यार्न को कट नहीं करेंगे क्योंकि इसी यार्न से हम अपने पोमपम इसमें लगाएंगे। ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको नॉट बनाई है। इसकी बहुत ही टाइट नॉट है ये और इसमें हम सेंटर में नीडल की हेल्प से अपना पोमपम लगाएंगे। पहले हम होल को बंद कर लेंगे। ये जो बहुत टाइनी होल दिख रहा है इसको हम इस तरह से बंद करेंगे और अपना पोमपम लगाएंगे।
फ्रेंड्स इसके टाइप नॉट बना करके हम इसको कट कर देंगे और ये हमारा कैप रेडी है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।